योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले वर्चस्व की लड़ाई में सिर्फ केशव मौर्य हमला करते थे, लेकिन अब तो बीजेपी विधायक भी खुले तौर से हमला करने लगे हैं। इसके साथ ही साथ सहयोगी भी खतरनाक स्टैंड लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में हार क्या मिली, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामा अभी तक बरपा है और सहयोगी खूब योगी के काम को लेकर हमलावर हैं या शिकायत कर रहे हैं। पहले बीजेपी की अंदरूनी कलह थी, अब तो सहयोगी भी खुले तौर से योगी को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। वो बिना हिचकिचाहट के, जी हाँ, उसी कड़ी में एक बार फिर अपना दल की नेता और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। अब जानते हैं कि जमीन को लेकर योगी का कानून कितना विवादित है, जिस पर हंगामा है। अनुप्रिया पटेल ने नौकरी में आउटसोर्सिंग का मामला उठा दिया और नौकरियों में आरक्षण का पालन न होने को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। अनुप्रिया पटेल ने योगी पर आरोप लगाया और कहा कि आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। साथ ही कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर की बीमारी से बहुत खतरनाक है। अपना दल एस की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण को लेकर नाराजगी जाहिर की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। पटेल ने आगे कहा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में दबे कुचले लोगों को नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसे में छोटी मोटी नौकरियां मिलने की गुंजाइश भी खत्म होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपना दल एस की मांग है कि आउटसोर्सिंग के तहत भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कैसे अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है और क्यों और इसका योगी पर कितना असर होगा देखना होगा। लेकिन योगी की अब खुले तौर पर आलोचना होने लगी है। इससे पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उन पर हमला कर दे, लेकिन अब सभी हमला कर रहे हैं, इससे योगी काफी कमजोर हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि इधर बीच अपने वोट बैंक को खिसकता देख अनुप्रिया पटेल परेशान है और इसीलिए लगातार योगी सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर वो घेर रही हैं। अगर आपको याद हो तो पता होगा कि इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि नौकरियों में इंटरव्यू के आधार पर होने वाली भर्तियों में पक्षपात होता है और पिछड़ों और एससी एसटी की भर्ती नहीं होती, और इससे पहले हमले में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामा मचा दिया था। योगी सरकार की बोलती बंद हो गई थी, फिर आया सत्ता का संघर्ष और चौतरफा योगी पर हमला होने लगा, जिसका फायदा उठाते हुए अनुप्रिया पटेल बहती गंगा में हाथ धो रही हैं और सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वाली कहावत चरितार्थ कर रही हैं। योगी चुप हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कि पहले की तरह योगी जवाब देते हैं या कुछ और जवाब देते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अमित शाह के चक्रव्यूह में योगी आदित्यनाथ फंस चुके हैं और कार्यकर्ता काम पर लग गए हैं। देखना होगा कब तक योगी का विरोध होता है और कब योगी हटाए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि योगी को कोई उंगली दिखा सके, लेकिन दिल्ली के इशारे पर योगी को विलन बनाने का काम जारी है और उसी का नतीजा है अनुप्रिया पटेल का हमला।